हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मायानंदन। आज का 30 दिसंबर का करेंट अफेयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे करेंट अफेयर्स ऐसे हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी की बात कर लो या किसी स्टेट पीसीएस की बात कर लो। इसके साथ ही हम 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और कुछ स्लाइड्स है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो स्लाइड्स है उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, अगर वो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप पेन पेपर लेके बैठिए और उन सबको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वीडियो के एक्सप्लेनेशन है वो रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचता रहे। बीएसएससी सीजीएल के लिए तो काफ़ी सारे वीडियोस हम डाल चुके हैं, 68 बीपीएससी के लिए डाल चुके हैं, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी डाल चुके हैं। अभी जो हमने स्टार्ट किया है बिहार सिविल कोर्ट, बिहार सचिवालय के प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस हमने डालना स्टार्ट किया है, वो सारे के सारे सिलेबस आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन या फिर कमेंट हमें मिलता है, तो हमारी मोटिवेशन लेवल जो है वो दुगनी हो जाती है। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट करेंट अफेयर्स आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना करी है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाता है कि नया एआई आधारित कौशल पोर्टल किसने तैयार किया है, तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की क्षमता भी कर्नाटक ही रखता है। दक्षिण भारत की पहली बड़े भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बेंगलुरु कर्नाटका से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमने आपको एक जगह यहाँ पे नोट डाउन करके दे दिया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग जो है वो अनिवार्य कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और नो बैग डे कहाँ लागू हुआ है? तो ये बिहार में लागू हुआ है। सेकेंड है, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? राजविंदर सिंह भट्टी को। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रतिमा का अनावरण किया, ये आप सबको पता होगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और भोग का फैसला किया है और बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है और नो बैग डे भी यहाँ पे बिहार में लागू किया गया है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड स्लाइड है, हाल ही में लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? तो लियो वराडकर। कोई भी अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो मेल से रिलेटेड हो, चाहे वो फीमेल से रिलेटेड हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपॉइंटमेंट्स तो याद करिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। टीना पोलू आर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कासिम जोमार्ट टोका पब को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये नतासा पर्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेजामिन तिया बने हैं और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र जो है ये कहाँ सत्र जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लखनऊ में शुरू हुआ है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63rd सत्र की मेजबानी लखनऊ में हुआ है, लखनऊ करेगा। IHRC अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है, इसकी स्थापना 1919 में हुई।
नेक्स्ट पॉइंट है IHRC अभिलेखों के प्रबंधन व ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अभिलेखों के उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का सचिवालय है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगी। देश की किस महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने का समझौता किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे जो चार पॉइंट है वो रिवाइज कर लेते हैं। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक दैट इज MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये कैंपवेल को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। टिम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये फ्रैंक विजलैंड विल जैक को जो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, टिम्पल्टन पुरस्कार 2022। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये चेक गणराज्य को चुना गया है। और प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये आरंभ की गई है। पांचवा आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हमने कंप्लीट करके रखा है पिछले वीडियोस में। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कीमा रीता शेरपा ने किया है। ये काफी प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। चर्चा में रहा चक्रवात असानी का नामांकन जो है ये किस देश के द्वारा किया गया? तो ये श्रीलंका देश के द्वारा किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये यूक्रेन रहा है। चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, तो इंडिया का क्या पोजिशन है ये मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ ने लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। नालनारा अंटिल बी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम योगी ने योग ने लिखा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। विनिंग द इनर पैटल नामक पुस्तक शैन वॉटसन ने लिखा है। और फ्रांसीसी लेखक रेने नाया ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियरिजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। और भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटका में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता है। ये हमने पहले ही वन लाइनर में कंप्लीट कर रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने थे, इसलिए ये करंट अफेयर्स वापस से मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। भारत के लिए यह लगातार तीसरा खिताब है, ये आप याद रखेंगे। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 संस्करण में भी जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी किसने करी है? तो ये भारत ने ही की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से देश का पहला H9N2 टीका विकसित किया है? तो ये राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के हेल्प से किया है। निर्मल देश पांडे जो है वो स्मृति विश्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तेज कोल को किया गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला
ट्राई हॉब की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये ओडिशा द्वारा की गई है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो टोटल 90। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। भले ही ये आज का नहीं है, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ये इम्पॉर्टेंट है। 7 दिसंबर सशक्त सेना झंडा दिवस सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया है। और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को वही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 30-40 क्वेश्चंस हम रोज का कंप्लीट करते हैं, वो कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आती है मेरी मेहनत, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2020 में की गई थी। दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध एडवर्ड ओ विल्सन का निधन हो गया, जिन्हें आधुनिक दिन के डार्विन के नाम से जाना जाता है। वह किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। दिसंबर 2021 में राजीव आनंद को किस बैंक द्वारा फिर से उप प्रबंधक निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है। और हाल ही में किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राधिका झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया, यह कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड है, निम्न में से किसे ग्लिम्प्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये वेंकैया नायडू ने किया है। और हाल ही में किसे डिप्टी NS नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम मिस्त्री को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया गया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत करी गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा की गई है। आज का लास्ट स्लाइड है और लास्ट 5 क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। RBI ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के CEO के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये बस्कर बाबू की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है RBI ने। भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इस साल TB के मामलों में रिडक्शन इन TB केसेस इन 2022 में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो ये टोटल 18% कमी दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में सीहोर जिले के डोबी गांव में 106 करोड़ 35 लाख रुपए की सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हाल ही में श्याम सुंदर दुबे को 2021 के लिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान मिला है, वह किस जिले से है? तो ये दमोहटा MP से है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके हम जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।